शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र में ग्राम चक्रमपुर में हुए हत्याकांड और महिला के साथ हुई बर्बरता को लेकर आज क्षत्रिय समाज के लोग एकत्रित हुए और एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी से आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की गुहार लगाई है। प्रदेश अध्यक्ष संतोष सिंह भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं के साथ बर्बरता करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं उन्होंने आगे बताया कि उनकी सात प्रमुख मांगे थी, जिसमें प्रशासन द्वारा चार मांगे पूरी कर दी गई हैं। बाकी तीन मांगों को प्रशासन जल्द पूरा करे, नहीं तो वह ग्वालियर और भोपाल में बड़ा आंदोलन करेंगे। शिवपुरी से यूसुफ खान के साथ सोहेल खान की रिपोर्ट। आज आप यहाँ एसपी ऑफिस आए हो, किस संबंध में आए हो? आज हम सभी लोग करणी सेना के पदाधिकारी माननीय पुलिस अधीक्षक जी को ज्ञापन के माध्यम से एसपी ऑफिस आए। हमारी मुख्य मांगे थी कि अपराधियों के जो मकान अभी पूर्ण रूप से ध्वस्त नहीं हुए उनको ध्वस्त कराया जाए, उनकी इनाम की राशि बढ़ाई जाए। माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जो मृतक के परिवारजन हैं उनके, और इसके अलावा जिस तरीके से महिलाओं के साथ में बर्बरता की गई, हत्या की गई है, इसके लिए अपराधियों को कम से कम फांसी की सजा दी जाए। इसके बाद भी आपकी अगर मांगे पूरी नहीं होनी, क्या आप आगे? हमारी मांगे अभी आधी, हमारी मुख्य मांगे जी अभी जो थी सात मांगे थी जी, और सात में से चार मांगे हमारी माननीय एसपी महोदय साहब ने मान ली हैं और पूर्ण भी हो गई हैं। तीन मांगों को लेकर हम लोगों ने उन्हें अल्टीमेट दिया है, अगर नहीं मानते हैं तो उसको लेकर फूलबाग चौराहे पे पहले धरना प्रदर्शन ग्वालियर में करेंगे, उसके बाद लाल परेड ग्राउंड पे वहाँ पे भोपाल में। तीन प्रमुख मांगे कौन कौन सी हैं जो आप अभी आप मनवाना चाहते हैं? जो हम मनवाना चाहते हैं, एक तो हमारी मुख्य मांग है इनको फांसी दी जाए अपराधियों को जी। इस तरीके से किसी भी समाज की बहू बेटी बहन के साथ में इस तरीके का कृत्य किया जाए और उसके लिए वो अपराधी किसी भी समाज का हो उसको इसी फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। आज यह राजपूत समाज की बहन बेटी है, अगर किसी अन्य समाज की भी होती तो भी करनी सेना उसके लिए भी आंदोलन करती। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।